देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, P, Q से 40 कम है तो Q P से कितना बोला गया है तो भी वैल्यू रहेगा किससे तो कम बोला गया है तो एक में से इसको घटाइए और लिखिए कम बोला गया है इसीलिए क्या करेंगे एक में से इसको घटाएंगे तो एक में से चालीस जाएगा तो हो जाएगा साठ क्लियर है और ये बन गया हम लोग का भिन्न ठीक है तो भिन्न को हम लोग परसेंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई हंड्रेड कर देने से ही ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा देखिए ट्वेंटी का टेबल में टू बार में ट्वेंटी का टेबल में थ्री बार में अब होगी हम लोग का कितना टू हंड्रेड बाई थ्री इसको डिवाइड करेंगे तो थ्री सिक्स जा एट्टीन फिर थ्री सिक्स 18 फिर पॉइंट आएगा सिक्स सिक्स तो 66.66 .66, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया यदि एक्स वाई से 80 प्रतिशत अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसे ही है उसमें कमी दिया था अधिक निकालने बोला गया था और इसमें अधिक दिया गया और कमी निकालने बोला गया है देखिए अधिक दिया गया और कमी निकालना है हम लोग को तो जब भी ऐसा दिया रहे हम लोग क्या करेंगे जो वैल्यू रहेगा उसको तो लिखना ही है और डिवाइड करेंगे देखिए अधिक दिया गया तो क्या करेंगे एक में इसको एड करना है तो एक को एड करेंगे तो कितना हो जाएगा एक ये बन गया हम लोग का भिन्न भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा टू का टेबल में फोर बार में टू का टेबल में नाइन बार में तो कितना हो गया फोर हंड्रेड बाई नाइन अब इससे इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा तो नाइन फोर जा थर्टी सिक्स फिर फोर बचेगा फिर नाइन फोर जा थर्टी सिक्स पॉइंट फोर फोर तो फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर परसेंट ठीक है तो इतना परसेंट क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे इसमें दिया गया है यदि एस टी का एक सौ साठ प्रतिशत है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें एस और टी का बात किया गया है और बोला गया एस टी का एक सौ साठ प्रतिशत है तो टी को हम लोग हंड्रेड मान लेंगे और इसका एक सौ साठ प्रतिशत कितना होगा एक सौ साठ हो जाएगा क्लियर है एस जो है टी का एक सौ साठ प्रतिशत टी अगर हंड्रेड है तो इसका एक सौ साठ प्रतिशत एक सौ साठ हो जाएगा क्योंकि एक सौ हम लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि इसका कितना भी प्रतिशत निकालेंगे उतना ही हो जाएगा जैसे एक सौ का अगर दस प्रतिशत निकालेंगे तो दस होगा एक सौ का बीस प्रतिशत बीस होगा उसी तरीके से एक सौ का एक सौ साठ प्रतिशत एक सौ साठ होगा क्लियर है तो एस और टी का वैल्यू हमको मिल गया और बोला गया तो टी एस का कितना प्रतिशत है तो टी एस का कितना प्रतिशत ये बोला गया तो एस के साथ का लगा है तो जिसके साथ का लगेगा उसको हमको नीचे में लिखना है मतलब एस को नीचे लिखना है और टी को ऊपर में लिखना है इतना माइंड में रखिएगा जिसके साथ का रहे या से रहे उसको हमको नीचे में लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में तो देखिए टी एस का तो एस के साथ का लगा है तो एस को हमको नीचे लिखना है और टी को ऊपर लिखना है तो ये बन गया फ्रैक्शन इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई और टी और एस का वैल्यू हमको पता है टी है हंड्रेड और एस है वन सिक्सटी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हंड्रेड से जो है हमको सॉल्व करना है बस बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया फोर का टेबल में फोर बार में सिक्सटीन फोर का टेबल में ये ट्वेंटी फाइव बार में जाएगा अब देखिए टू का टेबल में टू बार में टू का टेबल में फाइव बार में तो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव कितना हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का वन ट्वेंटी फाइव डिवाइड में टू है तो इसी इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ठीक है और इतना परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर देखिए इसमें दिया गया यदि एक्स वाई से तीस प्रतिशत कम है तथा जेड एक्स से पचास प्रतिशत कम है तो जेड तो वाई से कितना प्रतिशत कम है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें बात किया गया है एक्स वाई और जेड का तो एक्स वाई जेड लिख लेना है

पचास प्रतिशत कम है ये बोला गया है एक्स से कंपेयर किया गया है जेड का तो देखिए बोला गया है जेड जो है एक्स से पचास प्रतिशत कम है तो इसका पचास प्रतिशत पहले निकालेंगे फिर इसमें माइनस कर देंगे इसका पचास प्रतिशत कितना हो जाएगा थर्टी फाइव किसी का भी फिफ्टी परसेंट उसका आधा हो जाता है तो इसका फिफ्टी परसेंट हो जाएगा थर्टी फाइव इससे माइनस कर देंगे थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव जाएगा तो बोला गया है तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है जेड जो है वाई से कितना प्रतिशत कम है ये हमको फाइंड करना है तो जेड वाई से कितना कम है पहले देख लीजिए तो जेड जो है वाई से कितना कम है इसे इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा तो माइनस करने पर सिक्सटी फाइव पाएगा तो सिक्सटी फाइव कम है किससे कम है तो वाई से तो वाई कितना हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा नीचे क्लियर अब जिसके साथ का या से रहेगा वो नीचे रहेगा ये हम क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं तो देखिए वाई के साथ से है तो वाई नीचे हो गया मतलब वाई का वैल्यू नीचे और जेड का वैल्यू ऊपर तो यह बन गया भिन्न भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अब हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा तो सिक्सटी फाइव परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए इसमें दिया गया है यदि पी क्यू से थर्टी थ्री पूर्णाग एक बड़ा तीन प्रतिशत कम कमाता है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है तो यहाँ पे देखिए कमी दिया गया और अधिक निकालने बोला गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही सॉल्व होगा तो इसको हम लोग जो मिक्सड फ्रैक्शन है इसको हम लोग पॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे तो इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो थर्टी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इतना होगा अब देखिए कम कमाता है तो जितना भी है वैल्यू उसको हम लोग को तो यहाँ पे लिखना ही है और डिवाइड में क्या करेंगे हंड्रेड में से इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे तो हंड्रेड में से इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा सिक्सटी ये बन गया फ्रैक्शन इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और इससे कैंसिल हो जाएगा टू बार में और टू से ये फिफ्टी तो परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए इसमें दिया गया एक्स वाई से 25% परसेंट छोटा है तो वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है छोटा मतलब एक तरफ से ये कम ही बोला गया ठीक है तो कम दिया गया और अधिक हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे इसको हम लोग को लिखेंगे 25 को लिख लेना है और डिवाइड क्या करेंगे हंड्रेड में से इसको माइनस करेंगे जब भी कमी दिया रहे अधिक निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे हंड्रेड में से इसको माइनस करेंगे छोटा है इसीलिए हंड्रेड में से से इसको माइनस करेंगे तो 100 में ट्वेंटी तो हो जाएगा 75. ये बन गया फ्रैक्शन फ्रैक्शन को में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ट्वेंटी का टेबल में थ्री बार में और थ्री से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट क्लियर है तो यहां पे कितना आंसर हो गया हम लोग थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए इसमें दिया गया यदि का फिफ्टीन परसेंट बी के फोर्टी फाइव परसेंट के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ए का फिफ्टीन परसेंट बी के फोर्टी फाइव परसेंट के बराबर है ये बोला गया क्वेश्चन में तो जब भी बराबर बोला जाएगा इसको क्रॉस करते ही हम लोग का रेशियो आ जाएगा तो फोर्टी फाइव इधर आ गया और फिफ्टीन इधर आ गया तो फिफ्टीन का टेबल में वन बार में फिफ्टीन का टेबल में थ्री बार में तो थ्री इंस टू वन ये रेशियो आ गया मतलब ए थ्री हो गया और बी वन हो गया अब बोला गया ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है तो देखिए इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है बोला गया है तो इसके साथ देखिए का लग रहा है तो जिसके साथ का लगेगा उसको हम लोग को नीचे में लिखना है मतलब ए माइनस बी नीचे हो जाएगा और एक के बराबर बोला गया तो ए ऊपर हो जाएगा ये बन गया फ्रैक्शन फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब बस वैल्यू पुट करना है मतलब ए का वैल्यू अब ये हो जाएगा थ्री है तो थ्री अब यहाँ क्या है ए माइनस बी ए माइनस बी करेंगे मतलब थ्री माइनस वन हो जाएगा टू इन में हंड्रेड अब टू का टेबल में ये फिफ्टी बार में कैंसिल तो फिफ्टी थ्री जा वन फिफ्टी वन फिफ्टी परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट देखिए इसमें दिया गया यदि ए बी से ट्वेंटी फाइव परसेंट कम है तो टू बी माइनस ए बाई टू का मान क्या होगा तो बोला गया है ए बी से क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट कम है तो बी से कंपेयर किया जा रहा है तो बी को हंड्रेड मान लीजिए अब इसे ट्वेंटी फाइव परसेंट कम करके यहाँ पे लिखिए तो इस ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और ट्वेंटी फाइव इसमें कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव हो जाएगा तो दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया वैल्यू को छोटा कर लीजिए ट्वेंटी फाइव का टेबल में ये थ्री बार में चल जाएगा ट्वेंटी फाइव का टेबल में ये फोर बार में चल जाएगा तो दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया क्लियर है अब बोला गया है टू बी माइनस ए बाई टू का मान क्या होगा बोला गया है टू बी माइनस ए बाई टू इसको हमको फाइंड करना है तो टू इन टू बी है तो बी का वैल्यू कितना है फोर है तो फोर लिख दीजिए माइनस ए ए का वैल्यू थ्री है और डिवाइड में टू है इसको सॉल्व करिए तो टू फोर जाए एट और एट से थ्री जाएगा तो हो जाएगा तो फाइव और डिवाइड में टू तो फाइव बाई टू ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए इसमें दिया गया बी ए से ट्वेंटी परसेंट अधिक है तथा सी बी से ट्वेंटी फाइव परसेंट अधिक है यदि सी इज इक्वल टू थ्री थर्टी है तो ए का मान क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए पहले इतना पढ़िए बी ए से ट्वेंटी परसेंट अधिक है मतलब ए और बी का कंपेयर किया गया है तो ए और बी लिख लेंगे क्लियर है और बी ए से ट्वेंटी परसेंट अधिक है बी जो है ए से ट्वेंटी परसेंट अधिक है तो एक को हम लोग मान लेंगे हंड्रेड और इससे ट्वेंटी परसेंट ज्यादा करके यहाँ पे लिख लेंगे मतलब इसका ट्वेंटी परसेंट निकालेंगे तो इसका ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी हो जाएगा और इसमें एड कर देंगे तो कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी क्लियर है क्योंकि ट्वेंटी परसेंट अधिक बोला गया इसीलिए ट्वेंटी परसेंट निकाल के इसमें एड कर देना है तो बी का वैल्यू निकल गया तो बोला गया है अब सी बी से ट्वेंटी फाइव परसेंट अधिक है सी जो है बी से ट्वेंटी फाइव परसेंट अधिक है तो अब क्या करेंगे बी का हम लोग कितना निकालेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट और फिर ऐड करेंगे और यहां पे लिखेंगे तो किसी का भी ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालने के लिए फोर से डिवाइड करने से ही ट्वेंटी फाइव परसेंट निकल जाता है तो इसको फोर से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव परसेंट निकल जाएगा साइड में कर लेते हैं तो वन ट्वेंटी बाई फोर तो कितना हो जाएगा थर्टी थर्टी इसमें क्या होगा एड हो जाएगा क्योंकि ट्वेंटी फाइव परसेंट अधिक है बोला गया है तो वन ट्वेंटी प्लस थर्टी कितना हो जाएगा वन फिफ्टी हो जाएगा तो तीनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया अब ये रेशियो के फॉर्म में आता है तो रेशियो को हम लोग चाहे तो छोटा कर सकते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं मतलब टेन ट्वेल्व और फिफ्टीन हो गया अब बोला गया है सी इज इक्वल टू थ्री थर्टी तो ए का मान क्या होगा ठीक है तो सी का वैल्यू हम लोग को दिया गया है सी का वैल्यू कितना है तीन सौ तीस है और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है पंद्रह है तो हम लोग लिख सकते हैं फिफ्टीन इज इक्वल टू थ्री थर्टी और फाइन करना है ए का तो ए का कितना है टेन तो फिफ्टीन इज इक्वल टू थ्री थर्टी तो टेन इज इक्वल टू हम फाइन करना है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा तो कितना लिखेंगे थ्री थर्टी और ये वाला नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है इस कैलकुलेशन को माइंड में रखना है देखिए इसको लिखना है और फिर ये वाला जो है नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा ये वाला कैलकुलेशन आपको बहुत क्वेश्चन में हेल्प करेगा अब देखिए फिफ्टीन टेबल में टू बार में थर्टी बचेगा थी फिफ्टीन टेबल में टू बार में थर्टी अब ट्वेंटी टू इंटू टेन कितना हो जाएगा टू ट्वेंटी यह हम लोग आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया यदि ए बी से ट्वेंटी परसेंट कम है तो टू बी माइनस ए बाई ए का मान क्या होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए ए और बी का बात किया गया है ए बी से ट्वेंटी परसेंट कम है तो ए का कंपेयर किससे बी से किया गया है तो बी को हंड्रेड मान लेंगे और इसे ट्वेंटी परसेंट कम मतलब ये कितना हो जाएगा एट्टी हो जाएगा अब इसको छोटा कर लेते हैं ये रेशियो आया ट्वेंटी का टेबल में ये फोर बार में ट्वेंटी का टेबल में फाइव बार में तो फोर इंस टू फाइव ये रेशियो आ गया क्लियर है टू बी माइनस ए बाई ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो टू बी माइनस ए बाई ए यहां पे लिख लेंगे अब टू बी टू बी कितना हो जाएगा तो बी है फाइव तो टू ए से इंटू हो जाएगा टू बी कितना हो जाएगा फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा फिर माइनस में ए ए कितना है फोर और डिवाइड में ए इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्स बाय फोर तो का टेबल में टू बार में का टेबल में, में थ्री बार में तो थ्री बाय टू यह हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि का एटीन परसेंट के बराबर है ठीक है ए और बी का बात किया गया एक का बोला गया फिफ्टीन परसेंट और ये बराबर है किसके इसके बी के एटीन परसेंट के बराबर है तो बी का कितना प्रतिशत ए के बीस प्रतिशत के बराबर है बी का जो है कितना प्रतिशत ये नहीं पता हम लोग को तो एक्स परसेंट लिख लेंगे ये पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे एक्स लिख लेंगे तो बी का कितना प्रतिशत ए के बीस प्रतिशत के बराबर है तो ए का कितना बीस प्रतिशत के बराबर है तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कैलकुलेशन अभी जस्ट हम लोग कर चुके हैं पिछ, पिछले क्वेश्चन में तो देखिए इसको अगर हटाएंगे एक्स का वैल्यू ही ना हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में सिंपल सा कैलकुलेशन है और ये वाला कैलकुलेशन बहुत क्वेश्चन में हेल्प करेगा आप लोगों का अब देखिए थ्री का टेबल में काटिए थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री सिक्स जै एट फाइव का टेबल में फोर बार में ट्वेंटी फोर सीख जा ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया यदि संख्या ए का सेवेंटी एट परसेंट किसी अन्य संख्या बी के थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट के बराबर है तो बी का ए से अनुपात किया है देखिए ए और बी का बात किया गया है और ए का सेवेंटी एट परसेंट बी के थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट के बराबर है बोला गया है तो जब भी बराबर बोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस होके रेशियो बस छोटा करना है पॉइंट को अगर हटाएंगे यहां अगर हटाएंगे तो नीचे टेन आ जाएगा और इस टेन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग बोथ साइड टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा अब इसको देखिए फाइव का टेबल में टू बार में कटेगा फाइव का टेबल में सिक्स बार में थर्टी टू बचेगा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव अब फिर से ये कट जाएगा थर्टीन का टेबल में काटिए थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव और थर्टीन सिक्स जा सेवेंटी एट तो कितना हो जाएगा फाइव इज टू सिक्स टू जा ट्वेल्व अब ये किसका है ये ए है और ये बी है लेकिन क्वेश्चन को पढ़िएगा लास्ट में ध्यान से तो बी का ए से अनुपात पूछा गया है मतलब बी का पहले लिखना है और ए का बाद में लिखना है मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ट्वेल्व इज टू फाइव क्योंकि बी ट्वेल्व है और ए फाइव है तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए इसमें दिया गया यदि एक्स माइनस वाई का थर्टी परसेंट एक्स प्लस वाई के ट्वेंटी परसेंट के बराबर है ठीक है ये इक्वल टू दिया गया है एक्स माइनस वाई इसका थर्टी परसेंट जो है एक्स प्लस वाई इसका ट्वेंटी परसेंट और ये दोनों इक्वल है क्वेश्चन में दिया गया है तो इक्वल दिया गया तो इसको क्रॉस करते हैं हम लोग रेशियो आ जाएगा तो ट्वेंटी इधर हो जाएगा थर्टी इधर हो जाएगा जीरो जिरो जीरो कैंसल मतलब टू इज टू थ्री ये हम लोग का आ गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आया टू ठीक है 2. और एक्स प्लस वाई का वैल्यू थ्री आया x प्लस वाई का वैल्यू थ्री आया और यहाँ पे हम लोग को निकालना है तो y x का कितना प्रतिशत है तो पहले हम लोग y और x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे निकाल सकते हैं ये कट जाएगा कितना हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू फाइव अब x इज इक्वल टू फाइव बाई टू तो x का वैल्यू निकल के आ गया अब यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग का y का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा तो हम पुट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री में ये वाला में पुट करते हैं तो x का वैल्यू हम लोग का आया था फाइव बाई टू क्लियर इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस में वाई इज इक्वल टू थ्री अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई इज इक्वल टू थ्री और ये इधर आएगा तो माइनस में फाइव बाई टू अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू थ्री जब सिक्स सिक्स से फाइव जाएगा तो वन हो जाएगा और नीचे में टू तो वन बाई टू तो एक्स का वैल्यू जो वाई का वैल्यू जो है हम लोग का वन बाई टू आया और एक्स का वैल्यू है फाइव बाई टू लेकिन यहाँ पर बोला गया वाई एक्स का कितना प्रतिशत है यहाँ पर क्या निकालना है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है तो हम लोग को निकालना है वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है तो एक्स को नीचे में लिखेंगे क्यों नीचे में लिखेंगे क्योंकि एक्स के साथ का लगा हुआ है ठीक है ये भिन्न बन गया इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई का वैल्यू जो है वन बाई टू है और एक्स का वैल्यू जो है फाइव बाई टू है बस मल्टीप्लाई हंड्रेड टू से टू कैंसिल हो जाएगा फाइव का टेबल में ये ट्वेंटी बार में तो ट्वेंटी परसेंट

और अधिक है अब आगे बोला गया है इतना पता चल रहा है और आगे बोल रहा है, D, A से 20 अधिक है। तो डी जो है ए से 20 परसेंट अधिक है ए का कंपेयर बी से, से भी किया गया और डी से भी तो इसीलिए हम लोग पहले ये वाला को कंपेयर कर लेते हैं ठीक है इसका वैल्यू निकाल लेते हैं फिर सी और डी का देखेंगे तो यहां बोला गया डी ए से ट्वेंटी परसेंट अधिक है डी जो है ए से ट्वेंटी परसेंट अधिक है तो जिस तरीके से इसका हम लोग निकाले उस तरीके से इसका भी निकालेंगे तो डी जो है ए से ट्वेंटी परसेंट अधिक है तो ए का इतना वैल्यू है इसका ट्वेंटी परसेंट निकाल के इसमें ऐड कर देंगे ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा क्लियर है तो इसका ट्वेंटी परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग टेन परसेंट का वैल्यू निकालना सीख लीजिए तो इसका टेन परसेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो इधर से एक पॉइंट दे देंगे तो इसका टेन परसेंट यह हो गया और भी कोई वैल्यू लेके हम लोग चेक कर सकते हैं जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं

यहां पे हम लोग का हो गया थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे और ये सब वैल्यू हम लोग जो है माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं देखिए साढ़े सत्रह है दो से गुना करने का मतलब क्या उसका डबल कर दीजिए तो साढ़े सत्रह का डबल हो जाता है पैंतीस माइंड में होगा ये सब हम समझा रहे इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है देखिए थर्टी फाइव इसमें ऐड कर दीजिए तो फाइव फाइव टेन का जीरो कैरी वन सेवन और थ्री टेन और वन इलेवन का वन कैरी वन तो वन और वन टू दो सो दस हुआ तो दो सौ दस कहां लिखेंगे यहाँ पे लिख देना है क्लियर है सी डी सी फोर्टी परसेंट कम है तो सी जो है डी से फोर्टी परसेंट कम है तो इसका फोर्टी परसेंट निकालेंगे तो उसी तरीके से निकालेंगे तो पॉइंट के बाद जीरो वैल्यू नहीं मतलब ट्वेंटी वन हो गया इसका टेन परसेंट तो फोर्टी परसेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वन जे फो फोटू जैसे आया अब इतना क्या हुआ? कम है बोला गया है तो माइनस कर देना है हम लोगों को तो टेन से फोर जाएगा सिक्स हो जाएगा ये इससे कह लिए थे तो जीरो हो गया इससे लेंगे टैन, से जाएगा तो टू हो जाएगा ये वन हो गया मतलब सी का वैल्यू आ गया और ये सब जो आया हम लोग का रेशियो में आ गया क्लियर है का 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 ये आया, B का ये C का ये और D का ये आया और ठीक है तो सबका हमको मिल गया रेशियो में अब बोला किया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है तो ऑप्शंस पे हम लोग जाएंगे तो ऑप्शंस में बी और सी का ही कंपेयर किया गया है मतलब बी इज इक्वल टू सी फाइंड करना है तो देखिए हम लोग बी और सी का तो इज इक्वल टू में फाइंड करना है हैं लेकिन बी और सी ये है value, तो ये तो रेशियो में है इक्वल में नहीं है इसका पिछला क्वेश्चन सब में हम बताए थे कि जब भी इक्वल टू रहेगा तो क्रॉस करते ही हम लोग को रेशियो बन जाएगा उसी तरीके से रेशियो में रहेगा तो इसको क्रॉस करते ही मतलब पलटते ही हम लोग का क्या बन जाएगा इक्वल में आ जाएगा क्लियर अब इसको काट सकते हैं हम लोग छोटा कर सकते हैं देखिए टू का टेबल में काटिए ये फिफ्टी बार में चल जाएगा क्योंकि ऑप्शन में फिफ्टी सी इज इक्वल टू सिक्स थ्री बी क्लियर तो हम, हम लोग तो लो का आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए इसमें दिया गया शब्द में आये अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है? बहुत ही सिंपल सा है इसमें दिया गया है टिक जो शब्द है उसमें आई अक्षर के होने का क्या तो टेन है, तो तो है? तो है. तो है उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कितने कहां पर लिखेंगे हर में लिखेंगे ठीक है नीचे में लिखेंगे और उसमें बोला गया है अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत तो आई कितना बार है ठीक है वो देखेंगे हम लोग तो आई यहां पर एक बार है क्लियर और एक यार यहां पे है तो दो बार है तो दो यहां पे लिखेंगे तो ये बन गया भिन्न भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा अब कितना होगा टू इंटू टेन ट्वेंटी तो ट्वेंटी परसेंट यह हम लोग आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन में ठीक है थोड़ा सा चेंजेज करता कि अर्थमेटिक शब्द में आई के जगह पर अगर बोल देता कि आर अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है तो आर अक्षर कितना बार आ रहा है देखिए टोटल टेन है तो टोटल को तो लिखना ही काउंट करके और आर अक्षर कितना है एक बार है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 16. इसमें दिया गया है एक की इतना, पर इतना परसेंट हम बढ़ा रहे हैं तब बावन बढ़ रहा है इसका मतलब इतना परसेंट का ये वैल्यू दे दिया गया है तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो टू फाइव या टेन और थ्री थर्टी थर्टीन बाई टू हो जाएगा ये मतलब थर्टीन बाई टू परसेंट अगर बढ़ा रहे हैं तो संख्या कितना बढ़ जा रहा है बावन बढ़ जा रहा है थर्टीन बाई टू परसेंट इज इक्वल टू फिफ्टी टू तो, तो संख्या क्या है तो कोई भी संख्या अपने हंड्रेड परसेंट होता है तो हंड्रेड परसेंट का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है पे कितना हो जाएगा 52. और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा, 13 by 2 यहाँ पे आ जाएगा. और ये हंड्रेड मल्टीप्लाई में चल जाएगा सिंपल सा कैलकुलेशन है अब टू को अगर हटाएंगे तो ऊपर चाहिए मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिफ्टी टू इन टू ये टू मल्टीप्लाई में चल जाएगा थर्टीन नीचे में इन टू में हंड्रेड थर्टीन फोर जा एट और इंटू हंड्रेड कितना हो जाएगा एट हंड्रेड तो एट हंड्रेड हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि किसी संख्या के 40 परसेंट में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी तो वह संख्या ज्ञात कीजिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन कुछ पूछा गया है देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है हंड्रेड परसेंट होता है क्लियर है इतना माइंड में रखना है मतलब जो परिणामी संख्या होगी अपने आप में कितना परसेंट होगा अपने आप में हंड्रेड होगा तो यहाँ पे देखिए दिया गया है यदि किसी संख्या फोर्टी परसेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं वन जोड़ रहे हैं तो फोर्टी में वन अगर जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगा ठीक है मतलब संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा क्लियर तो संख्या प्राप्त होने का मतलब क्या हंड्रेड परसेंट हम लोग को प्राप्त हो जाएगा मतलब फोर्टी परसेंट में हम लोग ये जो वैल्यू जोड़ रहे हैं ये कितना जोड़ रहे हैं परसेंट में अगर बात करेंगे ठीक है अगर परसेंट में हम बात करेंगे तो कितना परसेंट जोड़ रहे हैं तो सिक्सटी परसेंट जोड़ रहे हैं ये सिक्सटी परसेंट ही होगा ना तब ना जाके हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तब ना संख्या बन रहा है संख्या बन रहा है इसका मतलब क्या वो हंड्रेड परसेंट बन रहा है और फोर्टी परसेंट में हम लोग इतना जोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं कितना वन सिक्सटी फाइव इसका मतलब क्या वो सिक्सटी परसेंट है क्लियर है तो 60 परसेंट का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना 165 सिक्सटी फाइव यह क्वेश्चन में दिया गया है अब बोला गया संख्या ज्ञाती जो संख्या क्या है 100 परसेंट है तो 100 परसेंट का वैल्यू निकाल देना है तो क्या हो जाएगा 165 और ये नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा टू का टेबल में ये थ्री बार में और थ्री का टेबल में टू का टेबल में थ्री बार में टू का टेबल में ये फाइव बार में थ्री का टेबल में इसको काटिए थ्री फाइव या फिफ्टीन वन बचा फिर थ्री फाइव या फिफ्टीन अब कितना फाइव फाइव जब ट्वेंटी फाइव का फाइव कैरी टू फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव और टू ट्वेंटी सेवन टू सेवेंटी फाइव ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है एक से अस्सी तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक एक या नौ है ठीक है तो एक से अस्सी तक में एक या नौ हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग रफली लिख लेंगे पहले एक आएगा ठीक है पहले काउंटिंग लिखना है मतलब एक से अस्सी तक तो काउंटिंग लिखने जाएंगे सारा तो हम लोग का टाइम लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग रफली काउंटिंग लिखेंगे मतलब एक लिखेंगे फिर ऐसे काउंटिंग करते करते हम लोग क्या आएगा नौ फिर दस फिर यहाँ पे ग्यारह बारह ऐसे करते करते उन्नीस फिर बीस होगा फिर इक्कीस होगा ऐसे करते करते उनतीस होगा इकतीस होगा उनचालीस होगा इकतालीस होगा ठीक है फोर्टी नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी नाइन सिक्सटी वन सिक्सटी नाइन सेवनटी वन सेवेंटी नाइन और आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अस्सी तक ही बोला गया है क्लियर है और इकाई का अंक देखना है इकाई का अंक का मतलब क्या लास्ट वाला देखना है क्लियर है ये वाला हम लोग का इकाई हो जाता है इकाई दाएं से कड़ाई से बढ़ते जाता है तो इकाई अंक ये वाला हो जाता है तो एक एक हो गया काउंट कर लेना है अब ठीक है काउंट कर लेना है एक या नौ कितना बार आया है तो कितना हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ गो क्या आया एक आया और नौ के गो आया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो आठ गो एक और आठ गो नौ तो एक या नौ बोला गया इसलिए क्या करेंगे हम लोग दोनों को ऐड करेंगे मतलब एक आठ गो और ये आठ गो ठीक है तो आठ आठ सोलह गो आया टोटल कितना में से तो एक से अस्सी तक में कितना आएगा टोटल अस्सी गो संख्या होगा एक से अस्सी तक में से टोटल अस्सी को संख्या होगा तो टोटल संख्या जो होता है नीचे में होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में इतना माइंड में रखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कुछ भी लिखेंगे तो जो टोटल वैल्यू होगा वही हम लोग का नीचे में होगा मतलब हर में हो जाएगा ये बन गया हम लोग में कन्वर्ट करने के लिए ट्वेंटी हो, हो, हो जाएगा तो ट्वेंटी परसेंट हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है किसी संख्या को भिन्न बयालीस बटा पैंतालीस के अंश हर में घटाने पर प्राप्त भिन्न पांच बटा छह के बराबर होगी तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ऑप्शन की मदद से सेकंड में सॉल्व होगा देखिए किसी संख्या को तो संख्या हम लोग ऑप्शन ए से हिट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग ट्वेंटी सेवन मान लेते हैं और इसको हम लोग भिन्न इतना के अंश और हर में घटाएंगे ठीक है तो भिन्न क्या है फोर्टी टू बाई फोर्टी फाइव और अंश ये है हर ये है इसमें क्या करेंगे घटाएंगे कितना ऑप्शन ए को घटा रहे हैं ठीक है थीके? तो फाइव बाई सिक्स के बराबर प्राप्त होगी तो ये इज इक्वल टू कितना होना चाहिए फाइव बाई सिक्स होना चाहिए ये बोला गया क्वेश्चन में तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ट्वेंटी सेवन करके घटा लेते हैं तो फाइव बाई सिक्स का अगर इक्वल आ गया इसको करने पर तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये वाला तो देखिए इसे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का होगा फिफ्टीन फिर इसे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग कहा होगा एट्टीन और फाइव का थ्री का टेबल में देखिए थ्री फाइव जो फिफ्टीन और थ्री का टेबल में सिक्स बार में एटीन तो फाइव बाई सिक्स ये हम लोग का हो जा रहा है मतलब ये फाइव बाई सिक्स के इक्वल हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या ऑप्शन ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर 520 है तो इस संख्या का 20 परसेंट क्या होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एक्स मान के सॉल्व करेंगे फिर इसका ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे तो देखिए संख्या को हम लोग एक्स मान लेंगे और इसका एक तिहाई बोला गया है तो इसका एक तिहाई मतलब क्या एक्स इंटू वन बाई अंतर बोला गया है पांच है तो माइनस करके कितना लिखेंगे पांच लिखेंगे और इस संख्या का बीस प्रतिशत क्या होगा ये हमको फाइंड करना है तो पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं संख्या निकाल, मतलब निकाल लेते हैं अब इसको करेंगे, कितना हो जाएगा? X X 3 इतना हो जाएगा इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी अब क्या हो जाएगा थ्री एक्स से वन एक्स जाएगा थ्री एक्स से वन एक्स जाएगा कितना हो जाएगा हम लोग का टू एक्स इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा अब हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फाइव टू जीरो इन टू थ्री और ये आएगा इधर तो डिवाइड में हो जाएगा अब टू का टेबल में इसको काटेंगे तो टू सिक्स जीरो हो जाएगा अब इसे इसको मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा तो थ्री जीरो थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो थ्री सिक्स का एट कैरी रही वन थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन मतलब सात सौ अस्सी ठीक अभी आंसर हम लोग का नहीं आया सात सौ अस्सी अभी हम लोग का संख्या आया एक्स का वैल्यू आया इसका मतलब क्या ये संख्या हम लोग को मिल गया अब संख्या का बीस प्रतिशत बोला गया है तो बीस प्रतिशत हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं सात सौ अस्सी है सात सौ अस्सी ये संख्या आया इसका बीस प्रतिशत हम लोग ऐसे भी निकाल सकते का बीस बटा सौ क्लियर है जीरो 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 आंसर टू एट या सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन टू सेवन जो फोर्टीन और वन फिफ्टीन देखिए एक ये तरीका है और पिछला सब क्वेश्चन में हम एक डिस्कस किए थे ट्रिक्स से निकालने का तो क्या उसी तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं तो लिख निक, के निकाल के देख सकते हैं तो देखिए इसका टेन परसेंट निकालेंगे तो टेन परसेंट के लिए एक के बाद पॉइंट ये हो हम लोग का टेन परसेंट अब टू से बस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग का निकल के आ जाएगा देखिए टू एट का सिक्स कैरी वन टू सेवन या फोर्टीन और वन फिफ्टीन तो वन फिफ्टी सिक्स ये निकल के आ गया अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए दिया गया है क्वेश्चन में संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर इतना दिया गया है तो संख्या हम लोग वन मानेंगे और इसके एक तिहाई मतलब क्या वन बाई थ्री अंतर मतलब क्या माइनस करेंगे और कितना आएगा फाइव ट्वेंटी आएगा क्लियर है इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन थ्री और माइनस वन कितना हो जाएगा टू बाई थ्री इसको सॉल्व करेंगे टू बाई थ्री इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी ये हम लोग का आया अब हम लोग क्या करेंगे संख्या निकालेंगे संख्या मतलब क्या एक निकालेंगे जब भी हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हम लोग संख्या क्या मानेंगे एक मानेंगे जिससे कि आप एक माने थे तो एक एक का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा संख्या निकल के आ जाएगा क्या है तो पे कितना हो टू बाई थ्री यहां पे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव ट्वेंटी इंटू थ्री बाई टू अब टू से इसको काटेंगे तो टू सिक्सटी अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सात सौ अस्सी यह हम लोग का संख्या आया ठीक है अब इसका बीस प्रतिशत निकालेंगे तो 10 पहले निकाल लेंगे तो एक के बाद इधर काउंट करते ही हम लोग टेन परसेंट निकल जाएगा अब टू से मल्टीप्लाई करते ही हम लोग का ट्वेंटी परसेंट निकल जाएगा कितना आएगा वन फिफ्टी सिक्स ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि एक संख्या का फोर्टी परसेंट उस संख्या के एक चौथाई से एक सौ पांच अधिक है तो संख्या तथा तो तो संख्या के थर्टी फाइव परसेंट में कितना अंतर होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है Clear? तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होगा हंड्रेड परसेंट होगा मतलब हंड्रेड परसेंट का पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे मतलब संख्या निकाल लेंगे फोर्टी परसेंट और इस संख्या के एक चौथाई बोला गया है इसका मतलब क्या? By 4. इसको हम में करेंगे. तो फोर का टेबल बार मेंसेंट हो जाएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा संख्या का फोर्टी परसेंट उस संख्या के ट्वेंटी अधिक है तो फोर्टी परसेंट ट्वेंटी अधिक है एक सौ पांच अधिक है 25 परसेंट से कितना अधिक है 105 अधिक है लेकिन परसेंट में कितना अधिक है ये हम लोग देख लेंगे इसे इसको माइनस करने से ही हमको पता चल जाएगा 40 से 25 जाएगा तो ट्वेंटी मतलब 40 परसेंट जो है 25 परसेंट से कितना परसेंट अधिक है तो 15 परसेंट अधिक है परसेंटेज में और नंबर में कितना अधिक है एक अधिक है तो हम बोल सकते हैं कि फिफ्टीन परसेंट टू वन अब संख्या तथा संख्या के थर्टी में क्या अंतर है ये बोला गया है तो संख्या पहले निकालेंगे मतलब हंड्रेड हम लोग निकालेंगे और इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे देखिए फिफ्टीन का टेबल में ये सेवन बार में आ जाएगा फिफ्टीन सेवन जब वन हंड्रेड फाइव हो जाता है तो इसको सेवन से मल्टीप्लाई करने से इतना हो रहा है तो इसको भी डायरेक्ट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा क्लियर है या फिर इसको हम लोग प्रोसेस वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं देखिए कैसे सेवन हंड्रेड आ गया अब इसको अगर प्रोसेस वाइज सॉल्व करते हैं तो कितना होता है एक सौ पांच लिखते हैं क्लियर और ये वाला क्या होता नीचे हो जाता और ये मल्टीप्लाई में चल जाता देखिए फिफ्टीन का टेबल में सेवन बार में सेवन इंटू हंड्रेड कितना हो जाता है सेवन हंड्रेड हो जाता सेवन इंटू हंड्रेड सेवन हंड्रेड हो जाता ऐसे तो करिए या फिर डायरेक्टली अगर टेबल में आ जाता है तो इसको भी उतना से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब ये फिफ्टीन का टेबल में सेवन बार में आ रहा है तो ये भी हंड्रेड का टेबल में सेवन बार में हो जाएगा क्लियर तो इसी तरीके से हम लोग इसका क्या निकाले हंड्रेड परसेंट निकालें मतलब संख्या निकाल ली अब संख्या तो था उसका थर्टी फाइव परसेंट संख्या निकल गया अब इसका थर्टी फाइव परसेंट निकालेंगे तो सेवन हंड्रेड है थर्टी फाइव परसेंट के लिए केंगे थर्टी फाइव बाई हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो के अब इसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का होगा टू फोर्टी फाइव तो संख्या निकल गया 700 और संख्या का 35 परसेंट निकला 245 अब इसका अंतर बोला गया अंतर मतलब क्या है 700 से इतना माइनस कर देना है मतलब 700 हंड्रेड माइनस टू अब इसको माइनस करेंगे तो फोर फोर ठीक है इसे इसको माइनस करेंगे तो फोर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है दो संख्या तीसरी संख्या से कर्मसभा बीस प्रतिशत और चालीस प्रतिशत अधिक है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक देखिये दो गो संख्या है वो तीसरी संख्या से 20 प्रतिशत और चालीस प्रतिशत अधिक है तो कंपेयर किससे किया जा रहा है दो गो संख्या है कंपेयर थर्ड संख्या से उसका किया जा रहा है तो थर्ड संख्या को हम लोग हंड्रेड मान लेंगे और कितना अधिक है पहला संख्या और दूसरा संख्या जो है अधिक तो है तो पहला संख्या क्या है इससे बीस प्रतिशत अधिक है बीस प्रतिशत अधिक मतलब कितना ये हो जाएगा और दूसरा संख्या क्या है इससे चालीस प्रतिशत अधिक है मतलब ये कितना हो जाएगा एक सौ चालीस हो जाएगा क्लियर तो तीनों संख्या निकल के आ गया और ये किसमें आया रेशियो में आया वो पूछा गया है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात मतलब ये दोनों का रेशियो पूछा गया है तो इसको देखना ही नहीं है पहला का कितना है 120 और दूसरा कितना है एक इसको कैलकुलेशन कर लीजिए जीरो जीरो सिक्स इंटू सेवन तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया दो संख्या तीसरी संख्या की कर्मश बीस प्रतिशत तीस प्रतिशत है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है तो दो संख्या जो है तीसरी संख्या की बीस प्रतिशत तीस प्रतिशत है बोला गया है तो तीसरा संख्या से कंपेयर किया गया है तो जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको हम लोग हंड्रेड मान लेंगे और इसका क्या बोला गया है 20 ये है और 30 ये है तो इसका, 20 20 जाएगा, इसका 30 30 हो जाएगा और तीस प्रतिशत तीस हो जाएगा क्लियर है तो तीनों संख्या का हम लोग को रेशियो मिल गया चाहे तो रेशियो को छोटा कर सकते हैं अब बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है तो पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या का बोला गया है देखिए इसके साथ का लग रहा है तो, जिसके साथ का लगेगा? उसको हम नीचे लिखेंगे. तो ये बन गया मल्टीप्लाई कर दीजिए हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया दो संख्या तीसरी संख्या से कर्मश पच्चीस प्रतिशत बीस प्रतिशत कम है तो दो संख्या जो है ये तीसरी संख्या से कंपेयर किया गया है तो तीसरी संख्या को हंड्रेड मानेंगे और इससे क्या है पच्चीस प्रतिशत और बीस प्रतिशत कम है तो पहला संख्या जो इसे पच्चीस प्रतिशत कम है तो इसका पच्चीस प्रतिशत पच्चीस ही हो जाएगा इससे कम करेंगे कितना सेवेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा, जाएगा. क्लियर है मतलब सेवेंटी फाइव हो जाएगा और इसका फिर ये क्या है बीस प्रतिशत कम है तो इसका बीस प्रतिशत बीस हो जाएगा बीस इसमें घटाएंगे तो अस्सी हो जाएगा क्लियर है तो तीनों संख्या का रेशियो आ गया अब बोला गया तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है पहली संख्या दूसरी संख्या का बोला गया है क्लियर है तो पहला संख्या कितना है सेवेंटी फाइव दूसरा संख्या का बोला गया है तो जिसके साथ का लगेगा वो नीचे में आ जाएगा और कितना प्रतिशत है तो मतलब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा टू का टेबल में ये फोर बार में टू का टेबल में ये फाइव बार में अब मल्टीप्लाई करिए तो फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव का फाइव कैरी टू फाइव सेवन जो थर्टी फाइव और टू थर्टी सेवन बाई फोर अब इसे इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा देखिए फोर नाइन जो थर्टी सिक्स वन बचा फोर थ्री जै ट्वेल्व और थ्री बचा तो इतना ठीक है इतना प्रतिशत ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है दो संख्या तीसरी संख्या से से बीस प्रतिशत तथा चालीस प्रतिशत अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है तो देखिए दो वो संख्या है ये जो है तीसरा संख्या से 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत अधिक है तो तीसरा संख्या से कंपेयर हुआ है इसीलिए तीसरा संख्या को हम लोग 100 मान लेंगे अब ये क्या है पहला संख्या जो 20 प्रतिशत अधिक है और दूसरा संख्या जो है 40 परसेंट अधिक है तो 20 प्रतिशत अधिक मतलब क्या 120 हो जाएगा और 40 प्रतिशत अधिक मतलब एक हो जाएगा तो का तीनों का रेशियो हमको मिल गया क्लियर तो है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के साथ कहा लग रहा है तो ये नीचे हो जाएगा परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो जीरो टू का टेबल में बार में टू का टेबल में बार में बार तो सिक्स हंड्रेड बाई सेवन इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो का आंसर आ जाएगा तो सेवन का टेबल में सेवन एट या फिफ्टी सिक्स ठीक है और बचे का हम लोग को फोर सेवन फाइव या थर्टी फाइव फिर फाइव बाई सेवन तो इतना प्रतिशत ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया साजिया की है रिहाना की आय से 20 प्रतिशत कम है तो रिहाना की आय साजिया की आय से कितना प्रतिशत अधिक है देखिए कम दिया गया है और अधिक निकालना है तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जैसे ही सॉल्व होगा देखिए ट्वेंटी दिया गया है तो उसको लिखना है और डिवाइड करना है कितना हंड्रेड में से इसको माइनस करके क्यों माइनस करेंगे क्योंकि कम दिया गया है तो कम दिया गया है क्या करेंगे हंड्रेड से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा एट्टी ये बन गया भिन्न भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब सॉल्व हो जाएगा ट्वेंटी का टेबल में ये फोर बार में और फोर का टेबल में ये ट्वेंटी फाइव बार में तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन पैंतालीस हजार से बढ़कर अड़तालीस हजार एक सौ पचास हो गया तो प्रतिशत वृद्धि की याद कीजिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है तो वृद्धि हम लोग देख लेंगे कि कितना वृद्धि हुआ मतलब कितना बढ़ा क्लियर तो पैंतालीस हजार से कितना हो गया अड़तालीस हजार एक सौ पचास तो कितना बढ़ा तीन हजार एक सौ पचास बढ़ा कैसे पता चलेगा इसे इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा तीन हजार एक सौ पचास ये तो माइन में माइनस हो जाएगा क्लियर इतना बढ़ा कितना से बढ़ा उसको हम लोग को नीचे लिखना है का या से जो होता है उसको हम लोग को नीचे लिखना पड़ता है ठीक है या फिर जिससे कॉम्पेयर होता है तो देखिए कॉम्पेयर इससे हो रहा है या फिर देखिए सेल भी लगा हुआ है चालीस हजार से बढ़कर ना इतना हुआ तो कितना से बढ़ा इतना से बढ़ा क्लियर तो इससे कॉम्पेयर हो रहा है तो इसको नीचे लिखेंगे या फिर ऐसा समझिए इसके साथ से लगा हुआ इसलिए इसको नीचे लिखेंगे तो इतना से इतना बढ़ गया इसको बस परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा हम लोग सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा देखिए तीन जीरो से

तो परिवार की मासिक आय क्या है तो मासिक आय हम लोग को निकालना है ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए आय इतना है मतलब इतना कमा रहा है चौदह रुपया और खर्च कर रहा है ग्यारह रुपया तो बचत कितना होगा तो बचत होगा तीन रुपया इससे इसको माइनस कर दीजिए ग्यारह रुपया कमा रहा है उसमें से चौदह इ... रुपया कमा रहा है उसमें से ग्यारह रुपया अगर खर्च हो जाएगा तो तीन रुपया बचेगा बचत में कितना बच रहा है रेशियो में थ्री बच रहा है और बचत यहां पे दिया गया तेरह हजार पांच सौ तो हम बोल सकते हैं थ्री इज इक्वल टू थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्लियर है तो पूछा ही गया है कि मासिकाई क्या है तो मासिकाई कितना है फोर्टीन है तो फोर्टीन का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है तो इतना लिखेंगे और ये वाला आ जाएगा नीचे और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा थ्री का टेबल में काटेंगे थ्री फोर जा ट्वेल्व वन बज गया थ्री फाइव जा फिफ्टीन दो गो जीरो अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए देखिए तो फोर्टीन का टेबल से इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो हो जाएगा फोर्टीन फाइव जा सेवनटी का जीरो कैरी सेवन फोर्टीन फोर जा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स और सेवन सिक्सटी थ्री तो सिक्सटी थ्री थाउजेंड ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया अमीना अपने आय का सिक्सटीन परसेंट बचाती है अब उसकी आय में ट्वेंटी परसेंट की वृद्धि हो गई लेकिन वो अभी भी पहले की तरह ही बचत करती है तो उसके बे में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को मतलब एक एक सेंटेंस पढ़िए और उसको सॉल्व करिए अमीना अपने आय का कितना सिक्सटी बचाती है तो इसका मतलब उसका आय हम लोग कुछ मानेंगे तो आय हम लोग कितना मानेंगे हंड्रेड मान लेंगे और वो क्या कर रही है 16 बचाती है मतलब उसका बचत क्या है 16 परसेंट है तो इसका 16 16 नहीं हो जाएगा. मतलब एक सौ रुपया में से सोलह रुपया बचाती है इसका मतलब क्या खर्च कितना हो जाएगा एक सौ में अगर सोलह रुपया बचाएगी तो खर्च कितना हो जाएगा चौरासी रुपया खर्च हो जाएगा कैसे इसे इसको माइनस करने से पता चल जाएगा अब बोल रहा है अब उसकी आय में बीस की वृद्धि हो गई तो आय इतना है इसमें बीस का वृद्धि हो गया मतलब एक सौ रुपया उसका आय हो गया लेकिन अभी भी वो पहले की तरह ही बचत करती है तो पहले कितना बचा रही थी सोलह रुपया अभी भी कितना बचा रही है सोलह रुपया ही बचा रही है तो एक सौ बीस रुपया वो इनकम हो रहा है लेकिन सोलह रुपया बच रहा है तो खर्चा कितना हो गया तो देखिए इसे इसको माइनस करने से हम लोग को पता चल जाएगा खर्चा कितना होगा तो खर्चा हो गया एक सौ चार रुपया क्लियर है वो पूछा गया है तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितना है व्यय मतलब क्या उसके खर्च में कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ ये हम लोग को निकालना है तो खर्च में कितना वृद्धि हुआ वो पहले देख लेते हैं तो कितना बढ़ा चौरासी से 104 तो हो गया तो कितना बढ़ा देख लेंगे तो इसे इसको माइनस करने 4 से फोर से फोर जीरो तो हो जाएगा और टेन से एट जाएगा तो टू हो जाएगा मतलब ट्वेंटी बढ़ रहा है कितना से एट्टी से क्लियर है खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है वही पूछा गया है तो ट्वेंटी बढ़ा कितना से एट्टी से बढ़ा परसेंट में चेंज करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब टू का टेबल में काटिए टू फोर जै एट टू टू टेबल में ये टेन बार में टू का टेबल में यह ट्वेंटी टू का टेबल में ये, ये फाइव हो जाएगा तो कितना हुआ फाइव हंड्रेड बाई ट्वेंटी वन इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट परसेंट क्लियर है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि राहुल के वेतन में से सिक्सटी परसेंट कर की कटौती हो जाती है तो उसे कर के रूप में बारह हजार आठ सौ रुपया भुगतान करना होता है तो राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल कर कितना है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए राहुल का का वेतन में से 60 कर कटौती हो जाता है मतलब सिक्सटी परसेंट टैक्स का कटौती उसको जो पेमेंट मिल रहा है उससे ही काट लिया जाता है सिक्सटी परसेंट टैक्स क्लियर तो बाकी कितना परसेंट टैक्स और उसको देना पड़ेगा परसेंट के फॉर्म में तो फोर्टी परसेंट उसका टैक्स अभी भी बचा हुआ है क्लियर है फोर्टी परसेंट टैक्स उसको अभी भी देना पड़ेगा तो उसे कर के रूप में इतना रुपया का भुगतान करना होता है मतलब इतना रुपया का भुगतान और करना पड़ता है 60 परसेंट काटने के बाद भी तो 60 परसेंट काटने के बाद 40 परसेंट उसको देना पड़ेगा और और कितना देना पड़ेगा बारह हजार आठ सौ रुपया तो हम बोल सकते हैं कि 40 प्रतिशत का ही वैल्यू दिया गया है बारह हजार आठ सौ तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है तो कुल कर कितना है हंड्रेड है तो हंड्रेड हम लोग निकाल लेंगे इसको लिखेंगे और ये वाला कैलकुलेशन करेंगे मतलब ये नीचे आ जाएगा और यह मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा फोर का टेबल में टू बार में ए, फोर का टेबल में थ्री बार में ट्वेल्व फोर टू जाए एट तो थर्टी टू और एक जीरो यहां पे है तो बत्तीस हजार ठीक है इतना आंसर हो जाएगा